तुम छुपा ना सकोगी मैं भोलू, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज़ू। तुम छुपा ना सकोगी मैं भोलू, तुम भुला ना सकोगी। आज के वीडियो में आपको शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान के लिए आई एक सैड न्यूज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, शाहरुख खान की मूवी डंकी रिलीज़ होने वाली है और डंकी की रिलीज से दो दिन पहले ही शाहरुख खान और उनकी फैमिली के लिए आई एक सैड न्यूज़। जी हाँ, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की बात करें तो गौरी खान रियल स्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप ऑफ लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसी कंपनी को मिला एक ईडी नोटिस। और ये नोटिस सिर्फ कंपनी को नहीं मिला, ये नोटिस मिला है गौरी खान को भी। जी हाँ, गौरी खान से भी इस पर ईडी बहुत जल्दी पूछताछ करने वाली है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तुलसियानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एक केस किया गया है और इस केस में ये कहा गया है कि ये कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड करती है और उनके पैसे लेकर भाग जाती है। जी हाँ, रिसेंटली एक शख्स ने केस किया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने 86 लाख देकर एक फ्लैट खरीदा था और उन्हें अब तक वो फ्लैट नहीं मिला है। पूरी पेमेंट करने के बावजूद ना उन्हें कोई पेपर्स मिले हैं और ना ही उन्हें कोई फ्लैट दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो गौरी खान को भी इसमें नॉमिनेट करना चाहते हैं और गौरी खान ही इस सब के पीछे रीजनेबल हैं। उस शख्स का कहना है कि गौरी खान को देखते हुए उन्होंने इस कंपनी के साथ फ्लैट लिया था। उनका कहना था कि गौरी खान को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि गौरी खान जब इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ये कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करेगी, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो गया और अब वो गौरी खान को भी इसमें नॉमिनेट करना चाहेंगे। गौरी खान से ईडी बहुत जल्दी इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उनसे ये बात किया जाएगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का था, उन्हें पेमेंट किस मोड में दी जाती थी और वो कंपनी के साथ किस हद तक इन्वॉल्व थी। अब आगे ये देखना है कि शाहरुख खान और गौरी खान इस पर क्या नोटिस लेते हैं और वो इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।